अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिबन जी। आज मैं सूखा बोमल बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से सूखा बोमल होता है ना। और इसको अच्छे से सफाई किस तरह करते हैं, ये देखिए। छोटा छोटा पीस में सब कचरा निकल जाता है। इसको इस तरह से सब काट देते हैं और उसकी मुंडी सब निकाल देते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पीस कर देते हैं। अब इस ये पानी बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर हम इसको ऐसा डाल देंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत से लोग ऐसा बॉईल पानी में नहीं डालते हैं, डायरेक्ट पका लेते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये होता है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। और जब भी अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो अगर बोमिल रखा है तो फटाक से बहुत आसानी होती है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ना 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, इसकी सब गंदगी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ये बोमल देखिए उबल रहा है अच्छे से। अभी ये मुलायम भी हो जाएगा और इससे सफाई भी अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए कितनी गंदगी हाथ में आ गई है ना। ये देखिए पूरा दिख रहा है ना। ये अब इसको अच्छे से एक मत्ता और पानी से धो लेंगे तो सारा छन्नी से गंदगी बह जाएगी। ये देखिए कितनी साफ़, एकदम अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है ये मछली। ये बोमिल में ना तेल ज़रा ज़्यादा लगता है। अब ये तेल गर्म हो जाएगा तो अब इसको ना इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर उसके अंदर जो हमको डालना है मसाला वो डाल देंगे। अभी ना हमारा तेल हो गया है। अब इसके अंदर इसको इसको खूब अच्छी से कुरकुरी से थोड़ा इसका पानी वो ख़त्म हो जाए तो इसको ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर नमक ना एकदम कम डालिएगा क्योंकि ना बोमली को जब सुखाया जाता है तो उसके अंदर नमक लगा के सुखाते हैं। और ज़रा से भी गफलत से अगर हमने नमक ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ही इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए कम से कम नमक डालिए। होते हैं ना तो ये समंदर के किनारे मछुआरे इसको सुखाते हैं ना, तो इसके लिए इसको खूब पानी में झबड़िया के धोने का ताकि इसकी सैंड है वो निकल जाए। चटनी हमने डाल दिया और इसको थोड़ा सा इसे भून लेंगे। भूनने के बाद इसको बस उतार लेंगे। हो गया।